मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाय और ये है पीट्रॉन की तरफ से न्यूली लॉन्च पीट्रॉन बेसबड पर्ल। और ये जो ईयरबड है इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को इस ईयरबड के अंदर जो है 28 आवर्स का जो म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिल जाता है, उसके साथ साथ ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ ही आता है। 13 mm के ड्राइवर आप लोग इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, 30 mAh की आप लोग को बैटरी देखने के लिए मिल जाती है दोनों के अंदर। तो सारे फीचर को हम लोग टेस्ट करेंगे, बताऊंगा आप लोग कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, कैसी है इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी, गेमिंग वगैरह में ये ईयरबड जो है कैसा परफॉर्म करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को बेसबड पर्ल का फोटो देखने के लिए मिल जाता है। फटाफट से यहाँ पर मैं पीछे की साइड में देख लेता हूँ, पीछे यहाँ पर कुछ इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है। फटाफट से यहाँ पर मैं डब्बे को खोल लेता हूँ। जैसे ही आप लोग डब्बे को खोलेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को जो है पीट्रॉन की तरफ से एक जो है वेलकम कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसी कार्ड की मदद से आप लोग जो वारंटी को भी रजिस्टर कर सकते हैं ईयरबड की। इसको रख दे साइड में और यहाँ पर आप लोगों को जो ईयरबड देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर फर्स्ट इंप्रेशन में बात करूँ तो ईयरबड जो आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों रिसेंटली जो OnePlus CE2 वाले जो ईयरबड जो अभी लॉन्च हुए ईयर है दोस्तों वो, तो ये दो दोस्तों OnePlus CE2 है, ये जो है लगभग 2300 रुपये के आते हैं। और इसके अंदर दोस्तों जैसे ईयरबड आते हैं सेम टू सेम ईयरबड का डिजाइन आप लोगों को पीट्रॉन पर्ल का देखने के लिए मिल रहा है। इसको रख दे साइड में और देख लेंगे डब्बे के अंदर हम लोग क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो डब्बे के अंदर यहाँ पर आप लोगों को इसका एक जो चार्जिंग केस देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जो पन्नी को हम लोग जो है रिमूव कर देते हैं फटाफट से, तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा प्रीमियम ही दिख रहा है दोस्तों, काला पत्थर मैं बोल सकता हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मजाक की बात साइड में, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा मुझे भाई पसंद आया। ओवल शेप का यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है और एक गोल्डन कलर की फ्रेम यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर दे रही है। आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डिटेल देखने के लिए मिल जा रही है, और नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी का चार्जिंग का पोर्ट इसके अंदर देखने के लिए मिल जा रहा है। और डब्बे के अंदर दोस्तों आप लोग इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जा रही है, जिसकी क्वालिटी आप लोगों को डिसेंट देखने के लिए मिल जा रही है, ना ज्यादा अच्छी है ना ज्यादा खराब है। तो ये कुछ मसाला आप लोगों को डब्बे के अंदर देखने के लिए मिल जा रहा है। फटाफट से हम लोग जिसकी साउंड एंड माइक्रोफोन की क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग काफी प्रीमियम साउंड इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा भाई, 1000 रुपए के बजट सेगमेंट के अंदर ये ईयरबड आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा काफी ज्यादा प्रीमियम है, काफी डीप काफी पंची बेस आप लोगों को इस ईयरबड के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर इसकी जो लाउडनेस भी है वो भी आप लोग काफी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। हल्का फुल्का डिस्टॉर्शन दोस्तों मैं बोलूंगा कि यहाँ पर इसके अंदर जरूर से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर जो आवाज है वो जो आप लोगों को थोड़ी सी फटी हुई लगेगी जब आप लोग जो 80% वॉल्यूम से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम के मामले में। लेकिन दोस्तों 80% जो वॉल्यूम है इसके अंदर वही दोस्तों काफी लाउड हो जाती है, आप लोगों को 100% पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस हिसाब से दोस्तों मुझे ये जो है काफी अच्छा लगा ईयरबड, यहाँ पर मुझे जो इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिली। तो दोस्तों अभी आप लोग जो मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं वो आप लोग इसी पीट्रॉन की TWS की मदद से सुन पा रहे हैं। तो आप लोग जो मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी जो है कैसी लग रही है। अगर बात करूँ दोस्तों गेमिंग की, तो गेमिंग में दोस्तों ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो पीछे रह जाता है, यहाँ पर मैं जो गोली पहले चली जाती है और आवाज़ बाद में आती है, वो वाला हिसाब किताब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। गेमिंग के लिए मेरी तरफ से ये जो है नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग जो म्यूजिक वगैरह इन्जॉय करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग जो कॉलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उस मामले में यहाँ पर मैं आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। उसके साथ 28 hours का म्यूजिक प्लेबैक टाइम कंपनी जो है क्लेम करती है। लेकिन दोस्तों जब मैंने इसको टेस्ट किया तो यहाँ पर मुझे 22 से 23 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक टाइम देखने के लिए मिला रियल लाइफ कंडीशन में। ओवरऑल दोस्तों एक अच्छा ईयरबड है जो कि पीट्रॉन की तरफ से आप लोगों इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इस ईयरबड की दोस्तों बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, एक बार तो जरूर से चेक करिए ताकि कहीं आप लोग इस ईयरबड को जो महंगा ना परचेस कर लें। तो दोस्तों बस यही सारी कहानी थी इस वाले ईयरबड की, उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इस ईयरबड से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फिलहाल के लिए नहीं दोस्तों मैं आपसे चाहता हूं इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।